எத்த முடியாம பிங்க பிச்சது காடி மொத்தத்தை காடியா கிச்சாமி तुम्हारा खानदान अच्छा है, तुम्हारे जेनेटिक्स अच्छे है हमारा। मैंने मम्मा को मेकअप किया है। क्या करे भाई, हम लाइफ में फर्स्ट टाइम पार्लर जाके मेकअप करा के आए तो अच्छा ही सुंदर लग रहा है। थैंक्स टू अम्मू मैम। निकाल दो मैं, निकाल दो, निकालो बहन, मेरे को सोना है। तेरी बहन में थोड़ी हूँ, मेरी माँ निकाल। आज मेरा चैनल है लेकिन मैं नहीं बोलूंगी, तुम लोगों को जो बोलना है बोलो। आप बहुत सुंदर हो और आपकी मुस्कान बहुत अच्छी है और आप बहुत अच्छा डांस भी करते हो। हाँ, और आप भगवान ने आपको जैसे बहुत अच्छा बनाया है और बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा भी बनाया है। वाह, क्या बोले तुम लोग मेरे बारे में। दीदी हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हाँ दीदी, कभी नहीं, सच्चे बोल रहे हैं, सच्ची बोल रहे। ये लोग तुम मतलब जानबूझ के तो नहीं बोल रहे हो ना, मैं हरिया मंदिर को ना बैठा हूँ। नहीं, सच बोल रहे हो? सच्ची। देखो अगर मैं नहीं, फिर मैं तुमको रॉफ ज्यादा देर करवा देती हूँ, तुम्हारे पैर में छाले पड़ जाते ना, तुम ऐसे बोलोगे तो मैं कम। मेहनत करने से तो फल मिलता है ना। वाह दिव्या भारती, वाह, तेरे जैसा कोई होशियार हो ही नहीं सकता है ना। अनि तुम भी होशियार हो, हाँ बुरा नहीं मानना, दोनों होशियार हो और दोनों डिम्पल दीदी के आंखों के तारे, अनवी और दिव्या सबसे प्यारे। थैंक यू माय डियर पीपल। सुने देसी लैड है ना तू, तू मत कहो, तू कौन पॉलिटिक्स पके जो बस ये मत कहो, विस्तार रे कहो, बस कहो। कमल दीदी को उठे, डिंपल दीदी तू कहिबो ना, डिंपल दीदी को कौन करा जीवो, डिंपल दीदी रो मैंने कौन लेखा व्यवस्था बुझा जीवो, तू बंदोबस्त कह मोर। कमल दीदी रेडी सर, दीदी रो को कमल दीदी को किए नबो रेडी सर, कहो तो सेटा कहो रे। तू नाटक करना, तो नाटक करना ना, मैं पढ़े भी जान था। दीदी डिंपल दीदी है गली की रे, ठीक से मना, ठीक से नहीं डिंपल दीदी रही बा, डिंपल दीदी रही बा, सही 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 छातों ऊपर कोमल दीदी रही बा, कोमल दीदी रही बा, सही सही तुमने कुछ अच्छे से बोला नहीं, नॉट गुड। कभी कभी मैं सोचती हूँ साधना कट मुझ पे सूट होगा, नहीं मेरे बाल अगर ऐसे रहते तो सूट होगा ना, ये ऐसे उठ जाएगा, फिर मैं पता नहीं कौन से कटवारी लगूंगी, तो इसीलिए साधना कट नहीं। भलाई का समाना नहीं रहा, सच बताती हूँ कलयुग आ गया है। एक स्विमिंग पूल के पास 1.5 घंटे से मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मैं एक छोटा सा फोटो ले लूँ, वीडियो ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, लेकिन कुछ बच्चा है कि चपक 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 ही करना है। अरे भाई 1.5 आवर से तो तुम लोग चपक चपक कर रहे हो, कल आके चपक चपक करने से नहीं होगा, कल दिन भर का वक्त है, कल शाम का वक्त है, परसों का वक्त है, जब भी आना है आ जाओ, मेरे पास आज एक दिन का ही वक्त है। नहीं दोकानटा देखी दबा छोटा है मस्त है नहीं, तुम फोटो डाल लो हमारी इंस्टा स्टोरी में, पके आई बिकेम शॉपकीपर फॉर वन डे, बाद में तुम्हारे पैकेट दे दो प्लीज। यस, दिया करने के लिए। हां कजन वेंकटेश्वरा का डिंपल, क्या समाना आ गया है। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपके अनुमति के बिना आपके किसी रिश्तेदार ने आपको एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया हो जहाँ पे काम की चीज कुछ होती ही नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, उसके साथ साथ कॉमेडी मीम्स। और अगर ये मैसेज आप 15 लोगों को भेजेंगे तो कुछ ही दिन में आपका जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, आप मालामाल होने वाले हैं। विडम्बना ये है कि जाकर भी मैं इस ग्रुप से निकल नहीं सकती क्योंकि रिश्तेदार है, अल्टीमेटली रिश्तेदारी निभानी है और इनको
ब्लॉक नहीं मार सकती। वेंकटेश्वरा बचा है ऐसे रिश्तेदारों से। कसम वेंकटेश्वरा का टिम्पल क्या समाना आ गया है। गिचिट पेपर का जमाना तो अब पुराना है, कहने जाऊं तो बहाना है या फिर छोटा सा फसाना है। असलियत तो ये है कि हमारे आजकल के स्टूडेंट्स माइक्रो जेरोक्स का दीवाना है। ये माइक्रो जेरोक्स का टर्म जब मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम सुना और उसको देखा ना वेंकटेश्वरा नोज पर, मेरी आंखें ऐसी रह गई। क्या डिस्कवर किए रहे तुम लोग माइक्रो जेरोक्स। नो वर्ड्स, नो कॉम्प्लीमेंट्स। पोर्ट्रेट बना जी, तुमको मांग टीका लगाएंगे। हिंदी आता है आपको? आपको हिंदी आता है? आता है। अच्छा, ये आपको पसंद आया? अच्छा, आपको लगा देंगे। रुको, आज क्या है? आज कौन सा फेस्टिवल है हमारा? मकर संक्रांति। बोलो हैप्पी मकर संक्रांति पीपल। हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति। क्लिप दो, कोई क्लिप दो, ये वाला क्लिप नहीं, अच्छा वाला क्लिप दो। बता पाकर मत थवा में क्लिप का लगा नहीं रहा। एक भी छोटा रसने हर्षिता दे। हाँ सीधा क्लॉक कॉज़ जो रहे बिना क्लिप से। क्लिप का हमारे क्लिप लगे छोटे नहीं, हमारे क्लिप हमारे क्लिप लगा प्लस एक क्लिप। बट्टू वेरिस बट्टू? ये बट्टू बोल लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे। पाउडर टीके लगा लो, ये चिकड़िया लगे छोटी सी दुल्हन हमारी। ब्लैक बोट पिला देखा जाऊ मम्मा यार, आपकी भतीजी एकदम आपके जैसे दिखती है। बचपन में एग्जैक्टली आप ऐसे दिखते थे, मतलब जीन्स में पावर है। क्या पता मुझ में जितने जीन्स ना हो डांसिंग के उसमें उतने चले गए हो, क्योंकि मम्मा के ब्लड से डायरेक्ट रिलेशन है भाई इसका। हेयर बैंड ही था, हेयर बैंड, हेयर बैंड आ गया। आओ तुम पूछ कर देखो, अब दादर होगा तो बताना। हाँ हाँ, तुमको हिंदी आता है? हाँ, तुमको आता है? हाँ, अच्छा आता है। अरे वाह। हाँ चलो, ये थोड़ा सही लग रहा है। पाउडर रानी में? हाँ पाउडर, पाउडर से बोट बाहर लेता मती है। पापा नेक्स्ट टाइम से अगर कोई फेस्टिवल हो तो अपने बालों में तेल नहीं लगाना, ठीक है? हाँ, और मैं आपकी क्या लगती हूँ बताओ? रिश्ते में हम तुम्हारे क्या लगते हैं पापा? बता रहे छोटी। पापा को पाऊ लगा देंगे। पापा तुम्हारी उम्र कितनी होगी अब? 5 साल। तुम जब पैदा हुई थी तब मैं 8th क्लास में थी, अब मैं 12th में हूँ, तो तुमको 4 कंप्लीट हो गए, 5 जैसे कुछ चल रहा होगा। 5 चल रहा है ना? 4 कंप्लीट बोलो, 4 वर्ष का को आजियो। 4 वर्ष नहीं आ है ये लोग, कितने पाउडर लोगे तू पिलड़क तेरे बैक कर टिक लग गया। ओहो बाबा, टेक टेक बैक टेक। हां हां हां, बैक कर लो। तुमको मांग टीका पहनना है, मैच करेगा क्या बेटा? हां हाँ चलो पहना देते हैं। खुश, अगर तुम खुश तो ठीक है, पहना देंगे। तुम दिखा ऐसे उस साइड देखो। मम्मा आप रिश्ते में इसकी क्या लगती हो? ये अगर आपकी भतीजी है, अरे आप तो बुआ हो। बुआ। मम्मा के खानदान वाले सारे सुंदर है, हमारे पैटर्नल साइड वाले इतने सुंदर नहीं है। मम्मा अगर हम आपके खानदान में पैदा होते तो फिर हमको ज्यादा ही सुंदर होते ना। मम्मा यार रेग्रेट रह गया यार। मम्मा तुमको क्या करे? चिप्स भाजी की। तू बैसी आओ, चिप्स भाजना। माता बाजार अच्छा था, चिप्स खाया। बोले आधे क्या आधे पाक होता है तब पापा दिखाओ दिखाओ। पापा छोटी सी दुल्हन बन गई, अच्छा लग रहा है। हेलो मम्मी, वेलकम बैक टू एलकेएसएन न्यूज रिपोर्टिंग। यू हैव इंट्रोड्यूस्ड मी टू समथिंग कॉल्ड कर्मा, एंड आपने हमेशा बोला है कर्मा रिवॉल्व्स अराउंड। तो आज मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि इस कलयुग में अच्छे लोगों के साथ अच्छा क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो बेटा, अच्छा अगर भगवान जहाँ होते हैं ना, वहीं पर हमेशा थोड़ा दुख तकलीफें डिफ़िकल्टीज होती है, क्योंकि डिफ़िकल्टीज होने पर ही हम भगवान को याद करते हैं।
हेलो माय डियर पीपल, वेलकम बैक टू एलडीएस एंड न्यूज़ रिपोर्टिंग। अब हमारे लाइफ में ना कुछ लोग आते हैं और चले भी जाते हैं, लेकिन वेंकटेश्वरा नोस पेस्ट कितना अफलातून, कितना घोटाला मचा के जाता है। अब आयरनी ये है कि हम चाहते हुए भी उन्हें कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि वो ऑप्शन हमारे पास होता नहीं अनफॉर्चुनेटली। और जो हमारे अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन होता है उसको कहाँ निकाले, कुछ ना कुछ चाहिए ना। बेस्ट आइडिया है मुझे, कुछ मत करना, बस अमेजोन फ्लिपकार्ट जहां से तुमको पसंद है वहां से प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर लेने। ये ऐसी चीज आ जाता है तो क्या बोलते हैं, हाँ बबल रैप आता है, इस पे सारा गुस्सा उतार देना। आयो वेंकटेश्वर इसे करते करते मैं ट्रोल ना हो जाऊं, लेकिन कोई बात नहीं, कई बार पड़ता है। कुछ लोग बोलते हैं डैश हर्ट्स द मोस्ट फेमस लाइन है। अब वो डैश किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए फेल होना, किसी के लिए सही वक्त पर ना पहुंच पाना, और किसी के लिए कुछ भी। हम जैसे लोगों से पूछो व्हाट हर्ट्स द मोस्ट, एक घंटा लेकर जब सांस रोककर अच्छे से स्टैचू जैसे खड़ी होकर आईने के सामने खुद को देखकर ऐसे उल्का बनाते हैं और उस एक घंटे के काम को ऐसे एक मिनट में स्वाइप कर देते हैं ना, दैट हर्ट्स द मोस्ट। क्या कर सकते हैं, दिस इज लाइफ। वेंकटेश्वरा नोज बेस्ट डेफिनेटली मास्टरपीस क्रिएशन ऑफ गॉड, नो डाउट इन दैट। बट क्या मैं ही दुनिया की एकमात्र ऐसे अजीबोगरीब प्राणी हूँ और विचित्र प्राणी हूँ जिसके साथ ये घटना होती है? मैंने बहुत बार नोटिस किया है, मुद्दे पे आते हैं जो मेयर स्टाफ्स होते हैं, होटल स्टे पे जाओ, वेकेशन पे जाओ, तो फिर इंटरेक्शन होता है सबके साथ। जो मेयर स्टाफ्स होते हैं बहुत ही पोलाइटली बात करते हैं, बाई चांस अगर किसी सर्विस के बारे में आप उनसे क्वेरी करो और वो अवेलेबल ना हो, बहुत ही अच्छे से बोलेंगे वो। लेकिन वही फीमेल स्टाफ आ जाए ना यार, फोन करते ही मैं हमेशा सबके साथ बहुत ही स्वीटली बात करती हूँ ताकि सामने वाले का दिन बन जाए मेरा आवाज सुन के, मेरा मुस्कान देख के। फीमेल स्टाफ क्या चिड़चिड़ी रहती है, मानो जैसे कुछ बिगाड़ ही दिया हो, हेलो कहाँ से किधर से, ये चीज चाहिए मिल सकता है, नहीं है तो अच्छे से बोलो नहीं है, आप और कुछ करो। अरे भाई ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। वेंकटेश्वरा ଜିତେନ୍ ସାର୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଆଣୁଛି ଗାଡିଟା ଟିକେ, ହଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସାଉଣ୍ଡ ହଉନି ଟିକେ, ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଜଣ ଡ୍ରାଇଭିଂ କଲେ ଟିକେ ଜାଣିଦେବ କାଳେ କଣ ଟିକେ ଏଇଟା ଥିବ, ମୁଁ ନେଇକି ଆସୁଛି ହେଲା।